कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सर्व ब्राह्मण आर्थिक उत्थान समागम समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने लोगों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के लोगों से अपील की कि मुलायम सिंह यादव के लिए गलत शब्दावली का उपयोग करके आईएसआई एजेंट कहने वाले प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को वोट न दें और भारत की एक ऐसी महिला जो वास्तव में दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर सर्वमान्य नेता के रूप में उभरी है, आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को अपना मत प्रदान कर ऐतिहासिक एकतरफा मतों से उन्हें जिताएं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। सभी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है, इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर एक पर रहेगा। जो व्यक्ति आपके संरक्षक के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाता हो उसको आप किस प्रकार से समर्थन दे सकते हैं, ये आपकी आचार विचार के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे पिता को, हमारे अभिभावक को गलत शब्दों का प्रयोग करता है या उचित सम्मान नहीं देता तो उसके साथ हम कभी भी नहीं खड़े होते हैं। ये हमारी संस्कृति है और इसी संस्कृति को याद दिलाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है और सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, कृपया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को इस प्रकार से गलत शब्दावली का उपयोग करके आईएसआई एजेंट कहने वाले प्रत्याशी को बिल्कुल भी वोट न दें और भारत की एक ऐसी महिला जो वास्तव में दबे कुचलों की आवाज बनकर के उभरी हैं, आदिवासी बहन हैं, उनको अपना मत प्रदान करें और ऐतिहासिक एक तरफा मतों से बहन द्रौपदी मुर्मू को जिताने का काम करें।